भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए लद्रोही में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने जाते समय बैजनाथ में पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सत्ती ने कहा कि बेनाम पत्र पहले की सरकारों के समय भी आते थे। उन्होंने कहा कि बेनाम से कोई पत्र डालता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, अगर कोई सबूत है तो उसे कोर्ट या लोक अदालत में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसके बारे में कह चुके हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और निर्दोष व्यक्ति के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए लद्रोही में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने जाते हुए बैजनाथ के पत्रकारों से मिले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि बेनाम पत्र पहले ही सरकारों के समय में भी आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेनाम से कोई ऐसा पत्र डालता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, अगर इसका कोई सबूत है तो उसे कोर्ट या लोक अदालत में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसके बारे में कह चुके हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और निर्दोष व्यक्ति के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, बदले की भावना से कोई काम नहीं किया जाएगा। धर्मशाला उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के नाम पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि धर्मशाला व पच्छाद से प्रत्याशी स्थानीय ही होगा और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तथा हिमाचल में ऐसा रिवाज नहीं है कि कोई भी दाएं बाएं का नेता चुनाव लड़े। इससे पूर्व मुख्यमंत्री धूमल का नाम भी बड़ा आ रहा है, क्या कहना चाहिए उनको, टिकट पक्का है? आपने पढ़ लिया होगा कल उसी कंस्टिट्यूंसी के कैंडिडेट्स में से टिकट मिलेगा जिस कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहे हैं। धूमल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस चुनाव में, जब पश्चात के चुनाव में जो भी कैंडिडेट होंगे वो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों से होंगे और आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बाहरी कैंडिडेट को उन्होंने कहा कि नहीं टिकट मिलना चाहिए, ऐसा जनता ने वहाँ से आवाज़ उठाई है। तो उसके नाते सारी बातें चल रही है, लेकिन अमूमन हिमाचल प्रदेश में ऐसा रिवाज भी नहीं है कि दाएं बाएं कोई सीनियर लीडर्स ऐसे चुनाव लड़े। वहीं से व्यक्ति आया तो पार्टी के उस कैंडिडेट के लिए सब लोग काम करेंगे, तो वही भी उसके लिए काम करेंगे। अच्छी है सर, जो पत्थर बम को लेकर सियासत चल रही है, क्या इसका असर, स्वाभाविक तौर पर इसका असर उपचुनाव में दिखेगा, क्या कहना चाहोगे? जिस पत्थर की आप बात कर रहे हैं, मैंने पिछले कल भी धर्मशाला में कहा कि इस तरह के अनेकों बार अलग अलग लीडर्स के विरोध में अलग अलग पार्टियों में पत्थर समय समय के ऊपर आते रहे। बिना नाम से बेनामी पत्र अगर कोई डालता है तो उसका कोई महत्व नहीं है और अगर किसी के पास प्रूफ है तो आदमी को सीधा कोर्ट में जाना चाहिए, लोक अदालतों में जाना चाहिए, लेकर के किसी भी नेता के विरोध में, किसी भी अधिकारी के विरोध में, किसी भी अन्य समाजिक कार्यकर्ता के विरोध में अगर हमें लगता है कि वो गलत काम करता है उसको लेकर के जाना चाहिए। और जहाँ तक पत्रबंध लिखने वालों की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने उसका इंक्वायरी का आदेश दिया है, FIR लॉज उसमें हुई है, इंक्वायरी उसमें चली हुई है, जो भी कोई दोषी व्यक्ति होगा उस सब के ऊपर सरकार आने वाले समय में कार्रवाई करेगी और निर्दोष व्यक्ति को कोई भी डरने की जरूरत नहीं, उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जो जयराम जी की गवर्नमेंट है बदले की भावना से काम नहीं करती है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे अफरा तफरी फैलाना चाहता है गवर्नमेंट को, मंत्रियों को, या किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना चाहता है तो उसके विरोध में कानून है, साइबर क्राइम के अंतर्गत जो सारी चीज़ें आती हैं तो उसमें उसके ऊपर कार्रवाई में हो सकती है। इससे पूर्व उन्होंने बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक मुल्कराज प्रेमी, मंडल अध्यक्ष कर्ण जम्बाल, अजय राजपूत, बीरेंद्र राणा, अनिल शर्मा, सतीश अब्रोल, प्रदीप चौहान, सुरेंद्र कपूर आदि मौजूद रहे।